हेलो फ्रेंड्स, फैशन कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में मैं वैशाली अग्रवाल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम CEA रेगुलेशंस फिनिश कर चुके थे 2010 वाला, लेकिन मैं उसका अमेंडमेंट्स बता रही थी जो कि आए थे। तो 2015 में अमेंडमेंट था, 2019 में था और अभी 2021 का ड्राफ्ट अमेंडमेंट है। ड्राफ्ट मतलब अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, गजट में नहीं आया। तो अब जो इसका नाम है CEA मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2021, इसमें देखिए कलर कोड की बात की गई। ब्लैक कलर इज मीन्ट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, रेड कलर इज मेंट फॉर डिलीशंस, ग्रीन कलर इज एडिशंस। देखिए ब्लैक कलर मतलब वो है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से है और अभी भी रखा जाएगा। रेड कलर है जो हटाने की बात की गई है और ग्रीन कलर है जो ऐड करने की बात की गई है। तो हम देखते हैं क्या। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स एंड जनरेटिंग स्टेशंस। इसमें ये चेंजेस किए गए हैं, इतना सब इसमें हटा दिया गया है और ये नई चीज़ें ऐड की गई हैं। इतना इसमें हटा दिया गया क्लियरेंसेस के बारे में और ये ऐड किया गया है। ये मिनिमम क्लियरेंसेस इन मीटर्स बिटवीन लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर, इसमें ये पूरा एक कॉलम ऐड करा गया है नया। फिर इसमें भी मिनिमम क्लियरेंसेस इन मीटर्स बिटवीन AC एंड DC लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर में पूरा एक नया कॉलम ऐड किया गया है। आगे देखते हैं। फिर अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग में इतनी चीज़ें ऐड की गई हैं, ये पूरा एक नया रेगुलेशन ऐड किया गया है। अर्थिंग लाइंस 33 kV एंड बिलो वोल्टेज लेवल्स, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, सर्ज अरेस्टर्स, ये पूरा ऐड किया गया है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। फिर चैप्टर 7A, ये पूरा ऐड किया गया है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरेटिंग स्टेशन, सेफ्टी प्रोविजंस फॉर थर्मल पावर प्लांट। ये पहले इसमें नहीं था, पूरा नया चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस करा है। हमने देखा था कि ईयर 2019 में भी एक पूरा चैप्टर ऐड किया गया था चार्जिंग स्टेशंस का, बैटरी ऑपरेटेड का। फिर ये फायर डिटेक्शन अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, ये देखिए फायर फाइटिंग, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशंस, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर जनरेटर, EHV और HV और LV पावर केबल्स, बस जट एंड कंट्रोल केबल्स, केबल ट्रेंचेस, केबल रैक्स, सेग्रीगेशन एंड प्रॉपर सैकिंग, पूरा एक नया ऐड ही कर दिया उसमें। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। नंबर 9 पर, जिसमें कि एक वर्ड एडिशनल ऐड कर दिया गया, एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ये देखिए इतनी चीज़ें हटा दी गई है, इतनी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ये लाइटनिंग, ओवरहेड लाइंस, कम्युनिकेशन एंड फायर प्रिकॉशंस में इतनी चीज़ें हटा के इतनी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। मैथड ऑफ अर्थिंग में भी इतना हटा के इतना चीज़ें ऐड कर दिया गया है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में इतनी चीज़ें हटा के इतनी चीज़ें भी ऐड करी गई और उसमें भी फिर चेंजेस किए गए। हो सकता है ये लोगों ने अपने अमेंडमेंट्स दिए होंगे तो इस पर ये उसके हिसाब से है। अर्थिंग मेटल पूरा हटा दिया है। फिर ये वोल्टेज लिमिट्स में भी काफ़ी चेंजेस हैं, ये सब चीज़ें ऐड की गई। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर के टाइप्स ऐड किए गए हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में इतना हटा के इतना ऐड किया गया है। देखिए 115A, ये पूरा एक नया रेगुलेशन इसमें ऐड कर दिया है, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इंगेज फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। फिर चैप्टर 10 है सेफ्टी प्रोविजंस फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, ये पूरा चैप्टर 2019 में ऐड किया गया था। इसमें कुछ बदलाव नहीं दिख रहे हैं, इसमें ये चीज़ें हटा दी गई हैं, इंस्पेक्शन एंड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। फिर एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, चैप्टर नंबर 11, एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर HVDC, ये पूरा नया चैप्टर ऐड किया गया है।
फिर एक चैप्टर 12 ऐड किया गया, एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर जीआईएस। फिर चैप्टर नंबर 13 ऐड किया गया है, एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर सोलर इंस्टॉलेशंस। तो देखिए कितने नए चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर चैप्टर 14 ऐड किया गया, एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस। फिर चैप्टर नंबर 15 मिसेलेनियस लिया गया है। मिसेलेनियस एक्चुअली चैप्टर नहीं था, पहले मिसेलेनियस ही था, उसको चैप्टर नंबर 15 नाम दे दिया, उसमें ये हटा के इतना ऐड किया गया है। के बाद इसमें सीधे शेड्यूल 3 पर आते हैं, वही चेंजेस थे, हैंडलिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस एंड अपरेटस फॉर कैरिंग आउट शटडाउन वर्क और टेस्टिंग। देखिए ये पूरा एक ऐड किया गया नया पोर्शन इसमें। शेड्यूल 3 में ही हैंडलिंग एचवीडीसी अपरेटस फॉर कैरिंग आउट शटडाउन वर्क और टेस्टिंग, ये भी पूरा सेक्शन नया ऐड किया गया है। फिर शेड्यूल 3 में हैंडलिंग गैस इंसुलेटेड स्विच गियर जीआईएस अपरेटस फॉर कैरिंग आउट शटडाउन वर्क और टेस्टिंग, ये भी पूरा ऐड किया गया है। शेड्यूल 4 का फॉर्म 2 जो है, फॉर्म फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर रेगुलेशन 30, जो कि हम चार्टर्ड सेफ्टी इंजीनियर से भी करवा सकते हैं, ये इसमें चेंजेस है थोड़े से, रिपोर्ट के साथ एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ चेंजेस हैं थोड़े बहुत, यहाँ चेंजेस हैं, इसमें इतना रेगुलेशन 42 भी एक ऐड कर दिया गया है इसमें। फिर ये चेंजेस हैं, देखिए सिग्नेचर ऑफ सप्लायर ओनर कंज्यूमर भी आ जाएगा इसमें, नया नया पॉइंट ऐड किया गया है। फिर शेड्यूल 4 के फॉर्म 3 में फॉर्म फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर रेगुलेशन नंबर 30 एंड 43, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का फॉर्म है फॉर्म 3, पूरा नया ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े से करके चेंजेस हैं, यहाँ पे इतने चेंजेस हैं, ये भी चेंज किया गया रेगुलेशन 49 में। फिर ये पूरा एडिशन पार्ट ऐड किया गया है। ये आप देख सकते हैं काफी लंबा एक चार्ट ऐड किया है इसमें। फिर शेड्यूल 4 फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय सप्लायर ओनर कंज्यूमर, सर्टिफिकेट है उसका अंडर रेगुलेशन 43 ऑफ सीईए मेजर्स 2010 में जो है उसका सर्टिफिकेट ही है। फिर शेड्यूल 4 में फॉर्म्स ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में फॉर्म फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन माइन में ये ऐड किया गया, पूरा एक नया के नया फॉर्म दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा फॉर्म ही चल रहा है। फिर शेड्यूल 9 को पूरा कट कर दिया गया, फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग फेलियर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स ऑफ रेटिंग 20 एमवीए एमवीएआर एंड अबव, इसको पूरे को कट कर दिया है और एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करा है शेड्यूल 9 में, फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग फेलियर ऑफ सबस्टेशन इक्विपमेंट इन केबल ऑफ 220 किलोवोल्ट एंड अबव वोल्टेज क्लास। फिर उसमें पार्ट बी भी ऐड करा है, फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग फेलियर ऑफ टावर्स ऑफ 220 किलोवोल्ट एंड अबव वोल्टेज क्लास ट्रांसमिशन लाइन्स। फिर ये शेड्यूल 10th ए पूरा ऐड किया गया नया एक फॉर्म, मिनिमम क्लियरेंस इन एयर अबव ग्राउंड एंड अक्रॉस रोड सर्फेस ऑफ हाईवेज और रोड्स और रेलवे कॉरिडोर्स और नेविगेशन और नॉन नेविगेशनल रिवर्स फॉर लोएस्ट कंडक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट ओवरहेड लाइन्स इंक्लूडिंग सर्विस लाइन्स ऑफ नॉमिनल वोल्टेज सिस्टम, ये पूरा एक ऐड करा है इसमें, क्लियरेंस कि कितना क्लियरेंस किसका होना चाहिए। फिर शेड्यूल नंबर 14 में पार्ट 1 पूरा नया ऐड किया गया है, गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ डेजिग्नेटेड सुपरवाइजर्स ऑन ड्यूटी इन एवरी माइन और ऑयल फील्ड वेयर व्हाइल इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड, ये पूरा ऐड किया गया है। फिर शेड्यूल नंबर 14 में ही पार्ट 2 ऐड किया गया है, ये आप देख सकते हैं।
फिर शेड्यूल नंबर 14A पूरा एक नया ऐड किया गया है। फिर शेड्यूल 15 पूरा एक ऐड किया गया, ट्रेनिंग सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिशियंस ऑफ माइंस। फिर शेड्यूल नंबर 15 है पार्ट 1, ट्रेनिंग सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स ऑफ माइंस फॉर कोल और मेटल माइंस। शेड्यूल 15 में पार्ट 2 ऐड किया गया है। शेड्यूल 15 में पार्ट 3 भी ऐड किया गया है। फिर शेड्यूल 16 में क्राइटेरिया फॉर ऑथोराइजिंग द चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का पूरा एक ऐड किया गया है कि कैसे क्राइटेरिया रहेगा, कैसे उसको ऑथोराइज किया जाएगा, उसका पूरा एक बना के ऐड किया है इसमें, उसकी क्वालिफिकेशंस और बाकी चीज़ें, स्कोप ऑफ वर्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीस एंड लिवी चार्जेस, टर्म्स कंडीशंस। फिर एक एनेक्सर 1 ऐड किया गया, बेसिक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। फिर शेड्यूल नंबर 17 रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर सब रेगुलेशन इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ऐड किया गया है। ये वो चेंजेस थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इस पूरे में। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, ये रिलीज़ होगा। वैसे ही मैं इसके बारे में भी एक लेक्चर बना के यहाँ पे बताऊँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।